नमस्ते, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो अभी गणपति बापा आने वाले हैं, तो उनके पसंदीदा मोदक बनते हैं, कई मावे के बनते हैं, रवे के बनते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूँ के आटे के मोदक। गेहूँ का आटा लिए एक कटोरी, अब इसमें हम कड़े में घी डाल देंगे और आटे को हम लोग अच्छे से भून लेंगे। इसका एकदम खुशबू आएगी ना, मतलब भूनेंगे। पहले मैंने 2 चम्मच घी डाला था, अभी मैं डाल रही हूँ और 1 चम्मच। जिसे हमको जरूरत पड़ेगी वैसे हम लोग घी डालेंगे और आटे को अच्छे से भून लेंगे खुशबू आने तक। ये देखिए, हमारा आटा भी अच्छे से हल्का सा भी भून गया है। इसमें मैं काजू बादाम डाल रही हूँ, पिस्ता बारीक काट के, ये भी अच्छे से भून लूंगी। अभी इसमें मैंने 1.5 चम्मच घी डाला है, 3 बार डाला है, 3 बार करके 1.5 चम्मच अच्छे से भून लेंगे हम ड्राई फ्रूट भी इसके साथ आटे के। देखिए, आटा अच्छे से भून गया है। अभी मैंने गैस बंद कर दिया है। एकदम अच्छे से भूनने के बाद अपने मोदक बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्वाद लगते हैं अच्छे से। अभी इसको हम लोग, इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, 1/2 कप मिल्क पाउडर लिए मैंने। इसमें मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है, एकदम पेड़े जैसा स्वाद लगता है मोदक का। और इसको भी हम लोग अच्छे से आटे के साथ भून लेंगे। और गैस बंद कर दिया है मैंने। ये देखिए, आटे का मिश्रण एकदम अच्छे से ठंडा हो गया। हल्का सा ठंडा करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ठंडा करना है, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा। अभी इसमें हम डाल देंगे पीसी हुई चीनी। ये हल्का सा ठंडा होना चाहिए। अभी चीनी को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, मैंने चीनी डाल के इसे मिला लिया है। मिश्रण हमारा हल्का सा गर्म होना चाहिए चीनी डालने के बाद, नहीं तो क्या है, पानी छूट जाएगा उसमें। अभी इसको हम ऐसे ऐसे दबा के 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको ऐसे दबा के बिठा दिया है और 10 या 15 मिनट के लिए इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, इसको मैंने 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था अच्छे से। अभी इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी घी। मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ ताकि मोदक अच्छे से बंद हो जाए, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से सब घी लगा के मिक्स कर दिया है। अभी यहाँ पे मैंने मोदक का साँचा लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा घी लगा लिया है मैंने। अभी इसमें हम भर देंगे अच्छे से, कोने तलक भरेंगे ताकि उसकी नोक अच्छे से आ जाए और डिज़ाइन भी अच्छे से। इसे दबा के भर देंगे हम मोदक को। ये देखिए, कितना अच्छे से बन के तैयार हो गया मोदक। अभी हम बाकी की सब ऐसे ही बना लेंगे। तैयार है हमारे गेहूं के आटे के मोदक। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।